गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कॉम्पिटिशन कोचिंग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले ALPCVT का जो रिजल्ट आया है, एक तरह से बोल सकते हैं अपना, आप वहां पे नंबर देख सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों का कितना नंबर, एक तरह से हम ये एक तरह से रिसर्च कर रहे हैं और हम आपको बताएं इसका कटअप कितना जा सकता है। आप लोगों का नंबर जान करके कुछ आइडिया हो जाएगा हमको, फिर आपको हम कल सुबह तक आपको बताएं इसका कटअप कितना जाएगा और किसका रिजल्ट आएगा, किसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव और आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग जल्दी बताइए कि आपका कटअप मेरे यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस, लेकिन आप हम क्या करें, आप लोग अपना मैसेज कर सकते हैं, मेरे पास पहुँच जाएगी। अभी जस्ट मेरे यहाँ बिजली चली गई है और हम क्या बता सकते हैं। आप लोग प्लीज़ जल्दी बता दीजिए कि आप लोग कितना नंबर आया है, यदि अभी तक तो चेक कर पाए हैं। फिलहाल मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा चेक किया, यानी कि ट्राई किया खोलने का, लेकिन मेरा खुद का पता नहीं चल पाया, लेकिन मेरे दोस्तों लोगों का पता चला। तो उन लोगों का जो आ रहा है, मेरे इधर से जो भी नंबर आ रहा है वो 40-45 अच्छे अच्छे स्टूडेंट की, जो भी टॉपर स्टूडेंट थे हम लोग इधर का, वो 40-45 के बीच आ रहा सबका नंबर, और 50+ किसी का भी नहीं, 40, 45 और 50 के बीच भी किसी का नंबर हमने अभी तक नहीं सुना है। आप लोग प्लीज़ अपना अपना जल्दी जल्दी बताइए। 25-30 ओके, चलिए ठीक है, आप लोग बताइए फिर से। एक्चुअली अभी मेरा चेहरा आप लोग को नहीं दिख रहा हो क्योंकि मेरे यहाँ पे बिजली चली गई है, तो जैसे ही आ जाती है आप लोगों को फिर से बता देंगे। आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी बताइए अपना कमेंट करके इस वीडियो में कि आप लोगों को कितना कितना नंबर आया है इसमें। ओके ठीक है, बता रहे हैं राजेश कुमार जी 30 नंबर बताए हैं SC में। ठीक है, आप लोग अपना जल्दी बताइए। OBC मतलब एक कैटेगरी भी लिखिएगा और बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर आया है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टूडेंट लोगों का जो भी टॉपर से टॉपर स्टूडेंट थे, उन लोगों का 40 और 45 के बीच में ही नंबर है, इसलिए ज़्यादा कटअप इस बार नहीं जाएगा, बहुत ही कम कटअप जाएगा, बिल्कुल सिंपली बहुत कम कटअप जाएगा। तो आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग का यदि कम नंबर है तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हुआ था और इसमें कुछ भी मतलब है कि एक्स्ट्रा टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट नॉर्मली यदि मीडियम में है आपका नंबर, 23 से 40-45 के बीच भी नंबर है तो फिर भी आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन हम आप लोग को यानी इसमें करीब हमको 100 स्टूडेंट का पता चला है कि सब लोगों का कितना नंबर आ रहा है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके आप लोगों का कितना आया है। और ओके चलिए ठीक है, हमारे यहाँ की बिजली आ गई है और अभी हम आप लोगों को देख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो फुल एंड फाइनल यही है कि सब लोगों का यानी कि अभी काफ़ी लोगों का नहीं दिख रहा, अभी भी जस्ट मैंने अपना साइट खोला था तो पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ संजोग कि मेरा नहीं दिखा, क्योंकि हम सुबह से ही ट्राई कर रहे हैं, उस पर हम एक वीडियो बनाने वाले थे कि मेरा कितना नंबर आया। वैसे टॉपर स्टूडेंट का वो 40 से 45 के बीच है, मीडियम स्टूडेंट का 30 से 40 के बीच है, और 50 नंबर तो अभी तक करीब 100 से 150 स्टूडेंट हम सुने हैं, लेकिन 50 नंबर किसी का भी नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ थी और रिजल्ट बहुत कम पे ही देगा। और इसको अब देखिए, जरा आप ही सोचिए, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम थी, ये सिर्फ और सिर्फ थी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम में उसको देखिए CBT सेकेंड के लिए भी उसको लेना है, CBT सेकेंड में देखिए 2 पेपर होगा, उसका फिर होगा साइको टेस्ट, यानी ALP यानी आपको बहाली के लिए, आपको ज्वाइनिंग के लिए, यानी आपको जो ड्राइवर के लिए आपको ज्वाइन करवाएगा, आपको उसको 3 स्टेप और है उसको छांटने के लिए आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को रखेगा CBT फर्स्ट के बाद, तभी तो वो अगला स्टेप में उसको छांट पाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से कटअप दिया गया था वो 30% OBC के लिए और SC के लिए और 40% जनरल के लिए, तो उतना यदि आपके पास है तो समझिए कि आप सेफ है, आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ पूछा था इसलिए उतना पूर्णा भी स्टूडेंट लोगों का मुश्किल हो रहा है। हम लोग के इधर तो कोई स्टूडेंट का तो माइनस में भी नंबर है, 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर तक भी नंबर है, और एक स्टूडेंट का 22.5 नंबर था जो कि OBC में आता था, वो भी अपना रिजल्ट का उम्मीद रख सकता है। तो क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था और स्टूडेंट तो यही सब है, तो यही था। ओके तो आप लोग तो मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुँच रही क्या, या कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग का कमेंट मेरे को नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ ओके ठीक है, अब हम लोग को दिख रहा है 24, 18, 37, 20, 43, आप लोग खुद देख सकते हैं इन लोगों का, यानी जो लोग कमेंट कर रहे हैं देख कितना कितना नंबर दे रहे हैं, जबकि इसमें भी एक से एक स्टूडेंट हो गए 23, 28, 28, 23, 60। वाओ नीरज,
अजमेरा जी का 60 नंबर आया है, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, ये पहली बार हम सुन रहे हैं जिन लोगों का 50 क्रॉस किया है। ओके ओके 42 43 30 30 विवेक ग्रुप डी में एससी वाले हो, अभी हम इस वीडियो में ग्रुप डी के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एएलपी का जिन लोगों को देख रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने एएलपी एग्जाम दिया था उन लोगों का कितना कितना नंबर आ रहा है वो लोग प्लीज़ बताइएगा। रंजीत कुमार 30 नंबर ओबीसी एएलपी, राम सागर कुमार ओबीसी 24 नंबर, डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग 23 नंबर आया है मेरा। ओके नीरज अजमेरा 16 नंबर, ओके बारिक 3635 41 ओबीसी, ओबीसी 43 शरद यादव बोल रहे हैं सर फेंकते हो मतलब क्या है, छोड़िए। शिवम शर्मा सर आपका क्या हुआ, मेरा नहीं दिख रहा है अभी भी, हमने स्क्रीन पर खोजा है और इसको हम ट्राई करेंगे देखते हैं क्या होता है। राहुल भरतिया समय 27 एएलपी, अमन कुमार 42, अमित चौरसिया 48.33 ओबीसी एएलपी, ओके आपका बिल्कुल कंफर्म है। नीरज अजमेरा, नीरज अजमेरा जी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि 60 नंबर है, फिर यहाँ बता रहे 52 नंबर ओबीसी, हाँ बिल्कुल आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुमार सुदेश सर आपका अभी मेरा नहीं पता चल पाया है, बारिक 36 35 41, शिवम शर्मा ओके, सीमा कुमारी 15 BC2 और नहीं सीमा जी आपका नहीं आ पाएगा रिजल्ट। जगदीश चौधरी 65, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेरा देख लो प्लीज, अभी मेरा खुद का नहीं दिख पा रहा था आपका हम कैसे देख लेंगे। साहिल खान 40, ओमवीर चौधरी 43 41 43 41, 30 जनरल 52 OBC, ओके 52 OBC SC से मेरे 52 में से 32 सही है, क्या हो सकता है SC में 52 में से 32 सही है तो मतलब कितना हुआ 20 गलती, यानी कि 6 नंबर निगेटिव जाएगा, हाँ आपका आ सकता है। जगदीश चौधरी मैं आपको बिल्कुल अपनी तरफ से कट ऑफ निकाल के बताऊँ कि इतना कट ऑफ हो रहा है 65 52 41 52, बस इसमें जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों का कितना आ रहा है, आपका कितना बढ़ा है। ओके सर मैं सर के थ्रू नहीं चेक कर पा रहा हूँ, ओके अभी वेबसाइट थोड़ा जाम चल रहा है। 41 OBC SC वाले ग्रुप डी में कितना, ओके ग्रुप डी की बात नहीं करेंगे। सोनी सिसोदिया ITI OBC 50 25% फलना से, ओके ओके नीरज अजमेरा ओके नीरज में 52, मनीष कुमार दीक्षित 64, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। सौरभ नंदी 30, भाई जी मेरा 17 सितंबर को पेपर है क्या करूं मैं, इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं आप देखिए जा करके। ओके हरदेव कुमार यादव 42, अजीत यादव 66, ओके प्रदीप सिंह 28, ओके 31, अंकित अग्रवाल 31 जनरल नौतम, एक्चुअली हम एक टाइप का रिसर्च बता सकते हैं आप लोगों को कि हम इससे हमको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोगों के कितने नंबर आ रहा है और इसका हम एवरेज निकाल के आप लोगों को बता देंगे। 30 42 50 42, ओबीसी 24 जनरल 30, प्रतीक कुमार 49 61 23 28 58, ओके अजीत यादव 58, हरिशंकर मौर्य 30, ओमवीर चौरसिया ओबीसी 43, मुलायम सिंह पाल टारगेट रेलवे एएलपी का, अमन कुमार 42, उसके बाद हरदेव कुमार यादव, शशिकांत मिश्रा जनरल 39, प्रतीक कुमार 49 ओबीसी 46, राहुल राज रुद्र 69, वाओ ये तो सबसे टॉपर मिल रहे आप लोग को अभी तक में जो भी स्टूडेंट से बात किए 69, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से आप लोग का। जगदीश चौधरी 60, प्रतीक कुमार 49, धर्मेंद्र कुमार टेक्नीशियन 51 ओबीसी, चंदन कुमार बांका 32, मयंक चौधरी आपका बता जल्दी, मेरा भी खुल ही नहीं रहा बताएंगे। प्रतीक कुमार ओके,
यानी कि हम कुल मिला के यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इतना आ रहा है, तो हम एक तरह से अंदाज़ा लगा के आप लोगों को बता सकते हैं। देखिए जो भी लोग हमको बता रहे हैं, जैसे कि 75 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन में से इसका 50%, जैसे कि जनरल का इसका 40% कितना निकलता है, 75 का 40% कितना निकलेगा, तो 15, 20, 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर। तो अभी आप लोगों का कुछ हम कैलकुलेट करके बताते हैं यहाँ पे, और इससे आप लोग खुद अंदाजा लगा दीजिए कि किसका रिजल्ट आएगा किसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब देखिए जो भी रेलवे की तरफ से तो एक कट ऑफ फिक्स किया गया है, अभी अभी जस्ट आप लोगों को बता रहे हैं कि किसका कितना कट ऑफ जा रहा है। अब देखिए जैसे कि रेलवे की तरफ से क्या फिक्स किया गया था, वो जनरल 40%, ओबीसी और एससी 30%, और कौन था एसटी 25%, यही था ना। तो इस हिसाब से देखिए 75 का 40% आता है 30 नंबर, और 75 का 30% जो आता है कितना, 22.5 नंबर के आसपास 22 नंबर आएगा, कितना का 22.5 नंबर आता है, और एसटी का 25% कितना आएगा, 18.75 कितना नंबर है, यानी कि देखिए जनरल का 30 नंबर और ओबीसी एससी का 22.5 नंबर और एसटी का इतना नंबर, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने बोला है कि कम से कम इतना आएगा, और वो टॉप 15 में, यानी इसके बाद फिर वो क्या बोला था, टॉप 15 यानी कि जो स्टूडेंट टॉप 15 में होगा और उसके पास कम से कम इतना इतना और इतना नंबर होना चाहिए, तो और वो टॉप 15 में भी आता है तो इतना कट ऑफ पे उसका हो जाएगा, वो आरआरबी की रेलवे की तरफ से बताया गया है। और जहाँ तक अब तक जो मैंने बताया यानी कि देखा हूँ, मैंने जो फील किया हूँ, अंकित कुमार चौधरी बोलते हैं एससी का 71 क्वेश्चंस राइट है, बिल्कुल सही है, तो आपका 70 नंबर आ रहा है, आपका रिजल्ट को तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अब तक ये विवेक यादव बोल रहे हैं बेटा तुम्हारा कितना है, ओके ओके, तो आप लोग इसको कुछ बता सकते हैं कि इसको बोलने का तमीज नहीं है। ओके देखिए इम्पॉसिबल, देखिए किसी स्टूडेंट का 71 नंबर सही है, किसी का 66 सही है, किसी का 65 सही है, तो इससे किसी और को निगेटिव लाने की क्या जरूरत है, बस देखिए इतना, देखिए रेलवे की तरफ से इतना फिक्स किया गया है, जहाँ तक अभी मेरे को जितना ही पता चल रहा है कि जो भी टॉप 15 में जो नंबर आने वाला है, ये जनरल के लिए 30 नंबर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ओबीसी में यदि आप हैं और आपका 30 नंबर के आसपास नंबर आ रहा है तो आप रिजल्ट सोच सकते हैं कि आ जाएगा आपका रिजल्ट। एससी एसटी में तो 25 के आसपास, इसका बस इसका देखिए जनरल के आसपास यदि 35 नंबर के आसपास आपका नंबर आ रहा है, ये हम आपको अपनी तरफ से ही कुछ आइडिया हम आपको बता रहे हैं, इतना नंबर यदि आपके पास आ रहा है ये मेरी तरफ से, तो आपका रिजल्ट आने का पूरा चांस रहेगा, यदि इससे ज़्यादा है तो चांसेस उतना बढ़ते जाएगा। तो इतना है, और चूँकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है ये जो एग्ज़ाम बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की भीड़ को छांटने के लिए हुआ है,
और इसमें से वो टॉप 15 को वो रखेगा, तो इस हिसाब से आप भी सोच सकते। इसके बाद देखिए सीबीटी सेकेंड में इसको दो पेपर लेना है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर जो स्टूडेंट पास करेगा उसको सेकेंड पेपर के लिए, यानी कि पहला पेपर पास करेगा फिर सेकेंड पेपर पास करेगा, उसके बाद देखिए साइको टेस्ट भी उसको पास करना है। उसके बाद वो जाएगा, यानी कि उसके बाद उसका होगा वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा उसका मेडिकल। यानी कि देखिए एक तरह से बोल सकते हैं लोको पायलट में सीबीटी फर्स्ट हुआ, यानी कि एक स्टेप, दो स्टेप, तीन, चार, पांच और छः, यानी कि पूरा 6 स्टेप क्रॉस करने के बाद, पूरा 6 स्टेप क्रॉस करने के बाद स्टूडेंट को छांटते हुए जितना सीट उसको लेना है उतना सीट, जो भी उसका सीट जो लेना है जो कि कितना के आसपास होगा, तो वो करीब 40,000 के आसपास स्पेशल लोको पायलट होगा, वैसे 60,000 सीट है। यानी इतना क्रॉस करने के बाद वो उतना रिजल्ट देगा। तो देखिए छटने के स्टूडेंट की चांस कितना है यहाँ पे। अब देखिए फिलहाल तो सीबीटी फर्स्ट का ही वो इसको देना है, तो सीबीटी फर्स्ट में ज़्यादा अमाउंट में स्टूडेंट को रखेगा तभी तो वो इसको इस एग्ज़ाम को देगा, फिर इसमें से वो ज़्यादा को रखे तब तो इसको देगा, फिर इसके बाद इसको, उसका फिर इसको, और इसके बाद इसको, पूरा पूरा 6 स्टेप इसको लेना है। और फिलहाल तो टॉप 15 में आते हैं और आपका रेलवे की तरफ से इतना 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 नंबर है और टॉप 15 में है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हमको लगता है कि टॉप 15 का जो नंबर होगा 35 जनरल, 30 मार्क्स OBC SC और ST का 25 मार्क्स, ये मेरी तरफ से यदि आपका इतना आता तो आपका लगभग मैं सेफ बोल सकता है, रिजल्ट 90% चांसेस है आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वैसे आप सीबीटी सेकंड की तैयारी कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जाम था। और जिन लोगों ने भी कमेंट किया इस वीडियो को, एक्चुअली हमारे चैनल पे पहली बार 372 लोग बिल्कुल लाइव आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को बंद करें और एक बार फिर से हम और जिन लोगों का नंबर यानी कि लगता है कि डाउट है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना कॉम्प्लेन कर सकते हैं उसको कि अपना नंबर बताओ। ठीक है, एक्चुअली अभी मेरा चेक नहीं हो पाया है और जैसे ही मेरा पता चले आप लोग को बिल्कुल बता देंगे, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस नंबर पे हमको फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको सर एससी थर्ड, ओ माय गॉड ये क्या बोल रहे हैं, ओके तो सब लोग जो भी लोग यहाँ पे देखे मैसेज कर रहे हैं सब लोग देखे ओबीसी का देखे 40 के आसपास बोल रहे हैं नंबर आ रहा है, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा था। और टॉप 15 में जो भी स्टूडेंट, एक्चुअल में स्टूडेंट का लेवल बहुत कम है और एग्ज़ाम बहुत हाई लेवल हुआ था, तो आप जैसे कि देखिए यूट्यूब पे जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ये नॉर्मल स्टूडेंट तो होंगे नहीं, सबके सब पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होंगे। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ाई करते हैं या फिर यूट्यूब से संबंध रखते हैं पढ़ाई लिखाई के संबंध में, तो वो लोग तो उन की तैयारी तो लगभग में अच्छी होगी, तभी तो वो यूट्यूब पे आ रहे, इतना नॉलेज है तभी तो, नहीं तो फिर नॉर्मल जिसको कि पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं, जो झूठ मूठ का 48 लाख जो भीड़ था वो लगा दिए, वो लोग बस बस नॉर्मल ही एग्ज़ाम दिए थे। तो बस आप क्या कीजिए, आपका यदि इतना आ रहा है तो 35, 30 और 25 भी बिल्कुल मेरी तरफ से, तो आप रिजल्ट का उम्मीद रख सकते हैं। बस आप सीबीटी सेकंड की तैयारी कीजिए और इसका जो अब देखें कि अब आपको मैं बता रहा हूँ सीबीटी सेकंड के लिए एग्ज़ाम डेट, इसको मैं एक और वीडियो बना के आपको बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम डेट कब होने वाला होगा। तो देखिए 364 लोग हमको देख रहे हैं और 46 लोगों ने लाइक किया, वाह। ओके थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। और ओके अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है तो देखिए जो भी लोग हमको गलत कमेंट कर रहे हैं सब लोगों को मैं हाइड कर रहा हूँ,
वो लोग लाइफ में कभी भी हमको कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब आपको, आप हमको मजबूर मत कीजिए, यदि आपको मेरे चैनल को नहीं देखना तो मत देखिए, निगेटिविटी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों का नहीं खुल रहा वो लोग सुबह तक वेट कीजिए, खुल जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग इसको देख रहे होंगे। सीबीटी सेकंड की तैयारी कैसे करें सब लोग, विवेक यादव तुम गए काम से, ओके, अब तुम दोबारा नहीं कर पाओगे मैसेज। विकास भंडारी बोलते हैं 37 मार्क्स है, कुछ चांस है, बिल्कुल चांस है आपका, बिल्कुल आ जाएगा रिजल्ट। शिवम दीक्षित 73, आप मजाक कर रहे हैं क्या, हमको भी पता है 73 किसी का नहीं आ सकता। ऑल इन वन विथ अस 75 OBC, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये CBSE का एग्जाम थोड़े। अब हमको लगता है सब लोग मजाक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई भी अपना कुछ आपको पूछ रहे इन्फॉर्मेशन तो इस तरह गलत नहीं बताना चाहिए। हमने अभी तक मेरा खुला नहीं है, और हम इसको जैसे ही हमको मेरा पता चलता है आप लोगों को बता देंगे। चले ठीक है, अब मेरा जो देखिए अगला जो टॉपिक होने वाला है, ये देखिए आपको दिख रहा है कुछ भी, 10 दिन में सिखा दूंगा 100% मैथ। जिन लोगों का मैथमेटिक्स नहीं आता है वो मेरा अगला वीडियो का वेट कीजिए, जो कि मेरा इसी टॉपिक पे होगा। इसे मैंने एक रिसर्च किया है कि 10 दिन में कैसे कोई मैथ सीख सकता है मुझसे, तो उसी के बारे में बना लूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हमको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। और देखिए पहली बार हमारे चैनल पर 344 लोग, यानी करीब 350 लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, प्लीज़ जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में जो कि इस टॉपिक पे होगा। आपको लग रहा होगा बिल्कुल मजाक चल रहा है, बिल्कुल मजाक नहीं है, और आप लोगों को हम वीडियो कोचिंग में इस तरह की चीज़ें हम सिखाते रहते हैं। आप लोगों को मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, फिर आपको हम जो भी आपका प्रॉब्लम होगा बता सकते हैं। नोट्स ले सकते हैं अभी वीडियो कोचिंग, तब भी आप बता देंगे। ओके, CL मीना जी बोल रहे हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं। ओके ठीक है, फिर से मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, ओके बाय। ठीक है भाई लोग, आप लोगों के साथ बात करके आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और सभी लोगों ने अपना अपना नंबर शेयर किया, थैंक यू सो मच। हम इसके आधार पे एक और मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, और वैसे मैं अपना रजिस्ट्रेशन और सब कुछ मैं आप लोगों को दे दूंगा, और मैं आपका खोल करके दिखता हूँ, और जितना भी नंबर आएगा आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हमको उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।